नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत डिंपल यादव से। जी हाँ, डिंपल यादव अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगा और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए भगवा पर बयान दे बैठी हैं डिंपल यादव, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। डिंपल यादव ने कहा कि यहां पर यह देखा जा रहा है कि डिंपल यादव ने साफ तौर पर कहा कि लोहे का जो रंग होता है, जब उसमें जंग लग जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, और जब युद्ध होता है तो उसमें कलर क्या होता है, लाल होता है। तो सीधे तौर पर भगवा पर, लाल कलर पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज उसी कलर के कपड़े योगी आदित्यनाथ पहनते हैं। तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो है पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता डिंपल यादव को घेर रहे हैं, तो वहीं डिंपल यादव भी पीछे हटते नजर नहीं आ रही। यानी कि मौजूदा समय के हालात की अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन इन बयानबाजियों से साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह वक्त बदल रहा है, किस तरह से स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। और क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा इस पर भी बात करेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।